नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात के अंतर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी जो सिडिल है, सिडिल आपकी जाम नहीं होगी। मतलब सिडिल आपकी जाम नहीं होगी, इस वजह से आपका जो नुकसान है वो भी नहीं होगा। तो सिंपल सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ दोस्तों आपको, और आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि ये जब भी आप भी ये बोनी करते हैं तो बोनी करने के बाद आपको विशेष काम क्या करना चाहिए जिस वजह से आपकी सिडिल जाम ना हो, तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मतलब अधिकांश लोगों को, किसान भाइयों को ये मालूम ही नहीं होता है कि अपन को कहाँ पे क्या चीज़ करना चाहिए जिसकी वजह से, ऐसी क्या करना चाहिए जिसकी वजह से अपनी सिडिल जाम ना हो। तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ इस सिडिल के अंदर दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसी तरीके के जो नए नए टिप्स आते हैं आपको रिपेयरिंग से लेके, और कभी कोई ख़राबी आ जा रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उस तरीके के आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और जो हमारा ये जो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप हमें कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं इससे। और नए जो कृषि यंत्र आते हैं उनकी सबकी हम वीडियो आपको उसकी जानकारी बाकायदा देते हैं दोस्तों। तो सिंपल सी बात मैं आज आपसे ये करने आया हूँ दोस्तों कि आपकी सिडिल के अंदर जब आप बोनी कर देते हैं तो बोनी करने के बाद आपकी सिडिल जाम ना हो, इस वजह से आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। और आप उस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये जो आपको शेड्यूल दिखा रहा हूँ ये 11 टाइम्स की शेड्यूल है। इस शेड्यूल के अंदर ज़्यादातर किसान भाई हमारे क्या करते हैं मैं आपको पूरा बताऊँगा। बोनी का काम कंप्लीट होने के जस्ट बाद हमारे किसान भाई जो सिड्रिल है उसको इस कंडीशन के अंदर छोड़ देते हैं। ये आप देख सकते हैं ये जो इसकी कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर छोड़ देते हैं। इसमें खाद भी है, बीज भी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब ये कंडीशन एक ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से आपकी जो पेटी है, जो आपकी सिड्रिल है, वो जाम हो जाती है। और आप उसे सिडिल के अंदर खाद और बीज दोनों मिलाकर आपके सिडिल के अंदर आप इसके अंदर डालते हैं। इस वजह से क्या है, ये जो इसके जो दांते रहते हैं यहाँ पर, इसमें ये जंग आ जाती है। और जो अपन खाद मिलाया जाता है उस खाद के अंदर ऐसा पदार्थ रहता है जो पकड़ करता है, जिसकी वजह से क्या है कि पेटी को सड़ा भी देता है वो, और उससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमारे ज़्यादातर किसान भाई क्या है, बोनी करने के जस्ट बाद सिड्रिल को इसी कंडीशन में पटक देते हैं, और अगली जब बोनी होती है उस टाइम पे उसकी खबर लेते हैं ताकि अब आपकी सिड्रिल जाम नहीं होगी। इस वजह से आप सिंपल सा ट्रिक ये कर लेना। अब आप देखेंगे कि आपने जो सिड्रिल के अंदर दाना छोड़ा है वो दाना प्रॉपर तरीके से पहले तो साफ़ करें। साफ़ करने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद आपको कहाँ डालना है यह आज तक आपने किसी को, आप सिंपल सा क्या है, या तो ऑयल यहाँ डालते हैं या ऑयल यहाँ डालते हैं, लेकिन मैं आपको आप ऐसी जगह बताऊंगा इस सिड्रिल के अंदर कि आपको प्रॉपर ऑयल कहाँ पे डालना चाहिए। ऑयल डालने के लिए ज़्यादातर किसान भाई ऊपर से यहाँ से इस डब्बे के अंदर यहाँ से ऑयल डाल देते हैं। अब ऑयल डालना ठीक है, यहाँ से अच्छी बात है, लेकिन मेन समस्या आपकी यहाँ नहीं है। मेन समस्या आपकी ये कप सेट की है, कप सेट के अंदर आपको ऑयल कहाँ पे डालना है जिस वजह से आपकी सिडिल जाम ना होगी। इसके अंदर दोस्तों आप जाम होने के बाद सिडिल को आप आपके जो व्हील है उस पहिए से घुमाएंगे मशीन को, तो ये दोनों कप सेट यहाँ से पहले, सबसे पहले ये वाला और ये वाला कप सेट ये मशीन तोड़ देगी। तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले इस कंडीशन के अंदर सिडिल को नहीं छोड़ना है, ये इस कंडीशन के अंदर आपको सिडिल को नहीं छोड़ना है। और इसको पहले साफ़ करें पूरी तरीके से, इसकी जो रिले रहती हैं, इस ये जो रिले हैं, ये रिले को नीचे करके पूरी तरीके से इसका खाद और बीज पूरा निकाल दें। बीज और खाद निकालने के बाद इसके अंदर आपको पूरी तरीके से पानी डालना है। पानी डालने के बाद इस व्हील की मदद से इसको पूरा घुमाना है। इस व्हील को घुमाने के बाद इसको पूरे साफ़ करके, कायदे से साफ़ करने के बाद दोस्तों इसके अंदर आपको ऑयल यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इस कप सेट में बताता हूँ, आपको ऑयल यहाँ डालना है और एक ऑयल आपको यहाँ कंघी के पास डालना है और प्लस बीच में डालना है आपको ये ऑयल। और ऑयल सबसे मेन जगह होता है जहाँ पे आपकी सिडिल कभी भी जाम नहीं होगी, कभी आपने इस छेद के अंदर से इस कप सेट के अंदर ऑयल डाला तो। ये जो एक ऐसा छेद दिया जाता है इस कप सेट के पीतल के बुश के अंदर कि ये जो आपका ऑयल इधर भी
रिसाव करेगा और इस तरफ भी करेगा, जिस वजह से आपका जाम होने का मेन मुख्य कारण सबसे ज़्यादा ये पीतल का जो बुश लगा हुआ है ये होता है। इसके अंदर आपने प्रॉपर ऑयल डाल के रखा है और आपकी कंघी के ऊपर या चूड़ी के ऊपर इसको प्रॉपर तरीके से ऑयल डाल के रखा है तो आपकी सिडिल कभी भी जाम नहीं होगी। जाम नहीं होने का कारण यही रहता है, खाद और बीज को साथ में डालने के बाद आपको इस कंडीशन में आपको सिडिल को छोड़ देना। इस सिडिल को छोड़ने के चक्कर में आपके सिडिल में आप जब भी उसे उठा के चालू करेंगे, बोनी करेंगे, तो उस टाइम पे ये जाम निकलेगी। जाम निकलने के बाद आप इस व्हील को घुमाएंगे तो इस व्हील को घुमाने के साथ आपके ये जो कपसेट दोनों कपसेट लगे हैं ये दोनों कपसेट टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिडिल जाम है। और ये जाम ना हो इसलिए मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया है। इस तरीके को आप साफ करके ऑयल कहाँ पे डालना है, आप उस छेद के अंदर उसका जो पीतल का बुश लगा है आपको वहीं डालना है और उसे प्रॉपर तरीके से डालकर अच्छे से घुमाना है और ऑयल डालकर ही बोनी करनी है ताकि आपकी सिडिल अगली बार से दोबारा जाम ना हो। और दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।